प्रदेश की पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमला वर्मा आज पंचतत्व में विलीन हो गई। उनके बेटे विमर्श कांत और राजन वर्मा ने उन्हें मुखाग्नि दी। 93 वर्षीय डॉक्टर वर्मा 34 दिनों से अस्पताल में थी। डॉक्टर वर्मा 3 बार प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रहीं। वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी सहित कई वरिष्ठ नेताओं के साथ कार्य कर चुकी थीं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि उनका निधन समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। डॉक्टर कमला वर्मा जी हमारी पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ नेता थी और उनके मार्गदर्शन में मेरे जैसे और भी हजारों कार्यकर्ता जो हैं उनके मार्गदर्शन में यहाँ तक पहुँचे हैं। वो हरियाणा की पहली प्रदेश अध्यक्ष थी और मैं समझता हूँ कि शायद हरियाणा की पहली, मतलब अब तक की पहली वो महिला अध्यक्ष भी वही। उनके मार्गदर्शन में पार्टी ने बहुत तरक्की की। वो 3 बार हरियाणा की हेल्थ मिनिस्टर रही और पूरे जीवन में जिस प्रकार से समाज के लिए, अपने हल्के के लिए, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के लिए काम किया, उसको हमेशा याद किया जाएगा। ये कहीं ऐसी पीढ़ी थी जिसने ऐसे समय में काम किया जो पूरे देश में जनता को, हरियाणा में भी छोटी पार्टी होती भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर किसी लेकिन उनका सहयोगी दल बन के काम करने लगा। वाजपेयी जी की सरकार आई थी तो भी बहुत सारे दलों के साथ, 27 दलों के साथ इकट्ठे होकर आई थी, लेकिन उन्होंने अपने ही समय में उस अवसर को देखा। करनाल से सांसद संजय भाटिया ने बताया कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे ऑनलाइन वार्तालाप के दौरान कहा था कि आज भी डॉक्टर कमला वर्मा की आवाज़ में काफ़ी दम है। उत्तर में उन्होंने कहा कि बहन भी तो आपकी ही हूँ। सीनियर वर्कर्स के साथ हरियाणा के अंदर बात की माननीय प्रधानमंत्री जी और उन्होंने कहा कि आज भी मेरी बहन की आवाज़ कड़क है, आई यू गई इस पड़ाव में। तो उन्होंने बोला कि बहन किसकी हूँ, बहन नरेंद्र मोदी की हूँ। उनका इतना स्नेह उनके साथ, क्योंकि हमारे प्रभारी रहे माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो एक एक कार्यकर्ता के साथ उनका व्यक्तिगत संबंध था और कमला वर्मा जी के लिए तो बहुत ज़्यादा उनका स्नेह था।